ओके स्टूडेंट, चलते नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है fx = x²-3x+4 एंड fx इज इक्वल f(2x+1)। कह रहा बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब आपको x की वैल्यू बतानी है। देखो बच्चों कैसे बताएंगे x की वैल्यू। आपको उसने गिवन किया है कि fx इज इक्वल f(2x+1), ठीक है ना। फंक्शन कितना है fx, fx की वैल्यू कितनी डिफाइन की उसने, एज इट इज लिख दीजिए x²-3x+4 इज इक्वल टू। उसने कहा अब x के रिप्लेस पे जो फंक्शन था ना fx, अब उसने कहा कि जो x है उस x के रिप्लेस पे क्या वैल्यू पुट कीजिए, 2x+1। ये वैल्यू उसने पुट करानी है, जहाँ जहाँ x है उस x के रिप्लेस पे क्या पुट कर दीजिए, 2x+1 रख दीजिए बेटा यहाँ पे। 2x+1 का होल स्क्वायर माइनस के 3 2x+1 प्लस के 4, जहाँ जहाँ x है उसके रिप्लेस पे वैल्यू पुट कर दीजिए। ओके, यानी x² माइनस के 3x प्लस के 4, a प्लस बी का होल स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस के 3 to the 6x माइनस के 3 एंड प्लस के 4। ओके बेटा, देखिए बच्चों एक्स स्क्वायर वाली कंडीशन को वन साइड ले लीजिए, नंबर्स भी वन साइड ले लीजिए, ठीक है बेटा, और कांस्टेंट क्वांटिटी भी वन साइड यूज़ कर लीजिए। एक्स स्क्वायर दिस साइड गया तो कितना बेटा 3x² माइनस 3x दिस साइड आया तो प्लस के 7x प्लस 7x में से 16x, तो प्लस के कितना रहेगा बेटा x, ठीक है बच्चे। अब 4 आ जाइए इधर, 4 इस साइड गया तो 4 से क्या हो गया बेटा 4 कैंसिल आउट हो गया, माइनस 3 और प्लस 1 कितना गया माइनस के 2 गेट हो गया, इज इक्वल कितना हो गया 0। इट मीन्स 3x² प्लस के x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 3 to 6 स्प्लिट द मिडिल टर्म्स, फैक्टराइज कर लीजिए कितना हो गया बेटा 3x² प्लस के 3x माइनस के 2x माइनस 2 इज इक्वल 0। आपके पास 3x कॉमन गेट हो गया x+1 माइनस के 2 गेट x+1 इज इक्वल टू 0। तो x+1 एंड 3x-2 इज इक्वल टू कितना बेटा आपके पास आ गया 0। इट मीन्स आइदर 0 और 0, यानी x+1 इज इक्वल टू 0 और बेटा 3x-2 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x की वैल्यू 2/3 आ गई बेटा आपके पास। ओके बच्चों, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी गेट होगी बेटा -1, ये होगी फाइनल गेट कर ली x की वैल्यू। ओके बच्चे, एक और एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं बेटा। लेट्स न्यू फॉर्म कंडीशन दी उसने बेटा आपके पास, न्यू कंडीशन बेटे आपके पास कि उसने कोई फंक्शन गिवन किया है fx इज इक्वल x-1/x+1 और कह रहा है बेटा शो दैट करो। आपको ये शो दैट करना है बच्चे कि f(1/x) की वैल्यू माइनस के fx के इक्वल है क्या। चलो शो दैट कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है इसको सॉल्व करने का। देखिए बेटा f(1/x) यानी x के रिप्लेस पे क्या पुट करना है, 1/x कर लीजिए पुट। x जहाँ पर है उस x के रिप्लेस पे 1/x, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे क्या रिप्लेस करना होगा 1/x, जहाँ जहाँ x आएगा तो 1/x-1 डिवाइडेड बाई 1/x+1 कितना है बेटा, एलसीएम ले लीजिए ऊपर, ऊपर एलसीएम आगे प्लस x तो 1 माइनस के x, नीचे एलसीएम ले लीजिए कितना है बेटा x तो 1 प्लस के x, x है x कैंसिल, वैल्यू आई आपके पास 1-x डिवाइडेड बाई 1+x। बच्चे जो ऊपर लिखा क्वेश्चन fx(x-1) डिवाइडेड बाई x+1 यार, अब 1-x डिवाइडेड बाई 1+x, यानी बच्चे इसका सेंस क्या जा रहा है समझना बेटा। यदि बेटा मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूँ न्यूमरेटर से तो कितना कॉमन आ गया, x-1 इज डिवाइडेड बाई x+1, क्योंकि मैंने न्यूमरेटर से कॉमन लिया है, जो पॉजिटिव तो वो नेगेटिव होगा, जो नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, किसी एक जगह चेंज होगा, या तो न्यूमरेटर में चेंज होता है या डिनोमिनेटर में, तो हमने कहाँ पे चेंज कर दिया, न्यूमरेटर में चेंज कर दिया। ओके बेटा माइनस, और ये फंक्शन की वैल्यू आ गई कितने की fx की, तो यानी आपने देखा बेटा कि f(1/x) की वैल्यू किसके इक्वल आ गई बेटा, माइनस के fx के इक्वल होगी। ओके बच्चे चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बेटा। ओके बच्चे नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा आपके पास fx = x+1 इज डिवाइडेड बाय x-1, कह रहे देन शो दैट कीजिए कि f(fx) इज इक्वल टू x, यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन x इज इक्वल टू x के इक्वल होता है, ये प्रूफ करना है। बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है बेटे, देख बच्चे समझो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप बेटा। देख बच्चे वी टेक, मैं ले रहा हूँ LHS साइड बेटा, क्या लिखिए बच्चे fx बेटा, fx की वैल्यू कितनी बेटे x+1 डिवाइड बाई x-1, ठीक है। अब इसे क्या रीड कीजिए अपने माइंड में, x रीड कीजिए इस पूरे को, क्या रीड करेंगे x, तो क्या बन गया fx, तो fx यानी जहाँ जहाँ x होगा फंक्शन के अंदर, जहाँ जहाँ x है उस x के रिप्लेस पे ये वैल्यू पुट करेंगे, फंक्शन के अंदर x ही रहा तो इस x के रिप्लेस पे क्या वैल्यू पुट होनी है, x+1 इज डिवाइडेड बाई x-1, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दीजिए, कीजिए बेटा कितना हो गया बेटा आपके पास, देखिए इस x के रिप्लेस पे x+1 डिवाइड बाई x-1+1 डिवाइड बाई, इस x के रिप्लेस पे x+1 डिवाइड बाई x-1 माइनस के 1, ठीक है। एलसीएम ले बेटा, एलसीएम कितना होगा पर x-1
एक्स प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन डिवाइड में आ जाओ नीचे बेटा, कितना है एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन माइनस के एक्स और प्लस के वन। देखो बेटा एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल, वन से वन कैंसिल, गेट हो गया ऊपर तो टू एक्स, नीचे देखिए बेटा कितना गया एक्स से एक्स कैंसिल, वन वन कैट हो कितना टू, टू से टू कैंसिल, कितना गेट हो गया फाइनली एक्स। तो फंक्शन ऑफ एफ एक्स क्लियर बेटा, फंक्शन ऑफ फंक्शन एक्स इक्वल टू कितना हो गया बेटा एक्स हो गया। ओके बच्चे अब एक और देखते हैं एग्जांपल, क्लियर हो गया बेटा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो इस टाइप से हमें सॉल्व करना, बस ध्यान से समझो रीडिंग का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले फंक्शन की वैल्यू पुट किया आपने, फंक्शन आ गया, अब जो फंक्शन के अंदर लिखा हुआ क्योंकि ये भी एक फंक्शन बन गया, और जब ये एक और फंक्शन बन गया तो उसके अंदर जो एक्स, इसको हम पूरे को अपने माइंड में रीड करेंगे एक्स, क्योंकि मुझे फंक्शन ही गिवन है एफ एक्स करके। तो यानी से हमें क्या रीड करना पड़ेगा पूरे को अपने माइंड में, एक्स रीड करना पड़ेगा। जब मैं से एक्स रीड करूँ तो एक्स के रिप्लेस पे ये वैल्यू पुट कर दूंगा, एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन, इस वाले फंक्शन में वैल्यू पुट हो जाएगी, जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ पे क्या जाएगा एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन, कैलकुलेट करके फाइनल आंसर गेट करेंगे। ओके बच्चे एक और एग्जाम्पल समझते बेटा, ओके बेटा एक और एग्जाम्पल है आपके पास, इफ एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस एक्स, तो देन शो दैट फंक्शन ऑफ फंक्शन एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब तीन फंक्शंस हो गए और इन तीन फंक्शन की हेल्प से आपको क्या प्रूफ करके दिखाना है एक्स के इक्वल है। समझना हमेशा आप लोग वर्क कैसे करेंगे, आप लोग वर्क करेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ मूव, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे बेटा। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जब भी तीन फंक्शन चार फंक्शन दो फंक्शन आ जाते हैं हमेशा किससे वर्क करते हैं, हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं बेटा, ठीक है ना। तो बच्चे पहले लिखेंगे आप लोग एफ, फिर एक और एफ, और उसके जो अंदर लिखी हुई वैल्यू एफ एक्स, इस एफ एक्स की वैल्यू कितनी देखिए उसने, आप ये पुट कर दीजिए वन अपॉन वन माइनस एक्स हो गया। अब ये बन गया फिर से एफ एक्स, यानी एज रीड इन योर माइंड एक्स, जब इसे अपने माइंड में एक्स रीड करोगे तो फंक्शन एक्स कॉल होगा और फंक्शन एक्स की वैल्यू वन अपॉन वन माइनस एक्स है। यानी अब आपको क्या समझना है, इसमें एक्स के रिप्लेस में यानी क्या आ गया एक्स आ गया आपके माइंड में। अब आपको करना क्या, जो एक्स है यहाँ पर उस एक्स के रिप्लेस पे, इस एक्स के रिप्लेस पे क्या वैल्यू पुट करेगा वन अपॉन वन माइनस एक्स पुट करेगा, कर दे फंक्शन खत्म हो जाएगा फिर ये पूरा का पूरा, क्योंकि इसकी वैल्यू बतानी ना आपको एफ एक्स की। तो जहाँ एक्स क्या है वन अपॉन वन माइनस एक्स, यानी जो ये फंक्शन लिखा हुआ यदि मैं इस एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर दूँ वन अपॉन वन माइनस एक्स, तो इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी, इट मीन्स इसकी वैल्यू निकल गई, इसकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी। वैल्यू पुट कीजिए वन अपॉन वन माइनस एक्स, इस एक्स के रिप्लेस पे क्या आएगा वन अपॉन वन माइनस एक्स। चलिए बेटा एफ एलसीएम ले लीजिए बेटा, कितना है बेटा नीचे एलसीएम वन माइनस एक्स, वन माइनस एक्स माइनस वन, ठीक है बेटा वन से वन कैंसिल, वन माइनस एक्स ऊपर यूज़ कीजिए, तो वन माइनस एक्स डिवाइड बाई कितना बेटा माइनस के एक्स हो गया। ओके बच्चे अब बेटा ये क्या बन गया एफ एक्स, क्योंकि एफ एक्स इसको अपने मैंने पूरे को क्या रीड किया एक्स रीड किया, यानी एक्स के रिप्लेस पे मुझे क्या पुट करना है वन माइनस एक्स इज डिवाइडेड बाई माइनस के एक्स। जहाँ जहाँ एक्स होगा फंक्शन के अंदर, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या पुट करेंगे वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाई माइनस के एक्स। देखिए बेटा कीजिए फंक्शन ये ना एफ एक्स, इस एक्स के रिप्लेस पे पुट कर दीजिए वन माइनस एक्स डिवाइड बाई माइनस एक्स, कीजिए बेटा कितना हो गया वन अपॉन वन माइनस के एक्स डिवाइड बाई माइनस के एक्स। ओके बेटा चलो कैलकुलेट करते हैं, वन अपॉन वन प्लस वन माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस माइनस प्लस एलसीएम कैलकुलेट कीजिए इसका, एलसीएम कितना है बेटा एक्स आपके पास, तो कितना है बच्चे वैल्यू एक्स प्लस वन माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, वन एक्स ऊपर चला गया बेटा तो कितना गेट हो गया एक्स, यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन एक्स की वैल्यू कितने गेट होगी आपके पास बेटा एक्स गेट होगी। ओके बच्चों तो इस तरह से हम लोग वैल्यू को डिफाइन करते हैं। ओके बेटा एक और एग्जांपल समझते हैं बच्चे, और कैसे क्वेश्चन को पुट कर सकते हैं हमसे वो। ओके बेटा वापस ये कह रहा है कि वाई इक्वल टू एफ एक्स है इज इक्वल ए एक्स माइनस बी डिवाइड बाई बी एक्स माइनस ए है, यानी वाई इज इक्वल फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स माइनस बी डिवाइड बाई बी एक्स माइनस ए, क्योंकि फंक्शन एक्स की वैल्यू है तो ये डिफाइन कर दिए, और फंक्शन एक्स किसके इक्वल है वाई के इक्वल है, कह रहे कि ए स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर। ओके बेटा जिसने डिफाइन कर दिया, कह रहे कि प्रूफ दैट करो कि एक्स इक्वल टू एफ वाई के इक्वल होगा। एक चीज़ नोटिस करो, एक्स इक्वल टू एफ वाई के इक्वल करना, गिवन क्या है वाई इक्वल टू एफ एक्स, और वाई इक्वल टू एफ एक्स मीन्स ए एक्स माइनस बी डिवाइड बाई बी एक्स माइनस वाई, यानी इस चीज़ को इंडिकेट करा कि वाई की वैल्यू यहाँ पे गेट हो रही इन टर्म्स ऑफ एक्स में, वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ किस में आ रही है एक्स में, हमें क्या प्रूफ करना है एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई में गेट करनी है। पॉइंट क्लियर हो गया ना, चलो चलते हैं बेटा कैसे करते हैं सॉल्यूशन। देखिए बेटा आपका वाई इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी डिवाइड बाई बी एक्स माइनस ए, ओके क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए बेटा, तो आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा बेटा बी एक्स वाई माइनस के ए वाई इज इक्वल टू ए एक्स माइनस के बी, ठीक है बेटा। तो आपको करना क्या है, मेन टारगेट क्या है आपके पास कि वाई की कंडीशन में सॉल्व करना होता है, क्योंकि
आपको क्या चाहिए यहाँ पे, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x में दे रखी है, तो आपको x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ किस में चाहिए होगी बेटा, y में। तो आप क्या करेंगे, x वाले टर्म्स वन साइड करेंगे, y वाले टर्म्स वन साइड कर लेंगे बेटा। तो बी एक्स वाई माइनस के ए एक्स इज इक्वल टू आपके पास ए वाई माइनस कितना हो गया b, इन दोनों से आ गया x कॉमन, तो बी वाई माइनस कितना आ गया a, इज इक्वल टू ए वाई माइनस बी। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, ए वाई माइनस बी इज डिवाइड बाई कितना हो गया बेटा, बी माइनस ए। अब देखना बेटा x की वैल्यू पूरी कम्प्लीटली प्योर x हो गया, इस x की वैल्यू किसके टर्म्स में गेट होगी, y के फॉर्म में गेट होगी। एक प्रोसेस तो क्लियर हो गया, बट एक मिनट बात समझिए, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी डिवाइड बाई बी एक्स माइनस ए। इसे देखना, जहाँ x है उस x के रिप्लेस पे कितना आ रहा बेटा, y आ रहा ना, देखो ध्यान से, ए वाई ए एक्स है ना, माइनस बी इज डिवाइडेड बाई बी वाई यानी बी एक्स है ना, बी एक्स माइनस ए माइनस, यानी सेम ही है ना, यानी बस x के रिप्लेस पे क्या आ गया बेटा, y। यानी जब x ये वाली कंडीशन होती है तो उसे हम डिफाइन करते हैं एफ एक्स करके, जब ये कंडीशन आ गई तो इसे कैसे डिफाइन कर देंगे, एफ वाई। क्यों, क्योंकि x के रिप्लेस पे केवल क्या रहा था, y। जब x के रिप्लेस पे y आएगा तो कंडीशन क्या बन जाएगी, एफ वाई। तो हैंस प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। ओके बच्चों, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को ध्यान से समझते हैं बेटा। ओके बेटा, कोई डाउट हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू सो मच बेटा।